महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने 1 मई तक संचार बंदी जारी की है। कड़क निर्बंध लगने से संचार बंदी के पहले दिन लोग कितना पालन कर रहे हैं, यातायात को लेकर सड़कों के दृश्य किस प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। इन बातों को बर्डी के वैरायटी चौक से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। राज्य में नागपुर शहर में हालिया परिस्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाना सरकार को जरूरी हो गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने शहर में 1 मई तक संचार बंदी लागू कर दी है। बुधवार की रात 8 बजे से लेकर अगले 15 दिन यानी 1 मई की सुबह 7 बजे तक कड़ी संचार बंदी का ऐलान किया गया है, जिसके चलते राज्य सरकार, जिला प्रशासन, मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि अच्छे से काम कर रहे हैं। संचार बंदी का पालन हो, हालिया परिस्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का मन सरकार प्रशासन ने बना लिया है। संचार बंदी का पूरा पालन हो और जनता भी इस पर अमल करे, ऐसा आदेश है। शहर के बर्डी चौक में संचार बंदी को लेकर क्या नजारा था, आइए देखते हैं। हमारे संवाददाता संजय मिरी, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट बर्डी चौक से। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम लॉकडाउन लगते ही सीताबर्डी चौक पे आई हुई है। अब हम आपको यहां से पल पल की जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन का आज पहला दिन है, 1 मई तक के ये लॉकडाउन कायम रहने वाला है। ऐसे में जैसे लॉकडाउन लगता है तो हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार होती है, मगर एक भी पुलिस वाले यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों का आवागमन चालू है, यातायात चालू है, कोई रॉन्ग साइड से अपने वाहन निकाल रहा है बिना हेलमेट के। देख सकते, कोई हेलमेट भी नहीं पहना, किसी ने तो मास्क भी नहीं पहना है। इस तरह का ये नज़ारा बर्डी का दिखाई देता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही कुछ लॉकडाउन लगता है तो पुलिस बड़ी संख्या में चालान करते हुए नज़र आती है, डंडे से पीटते हुए नज़र आती है, लोगों को मार्गदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। जबकि बगल में ही बर्डी का पुलिस थाना है और बर्डी के पुलिस थाने के बिल्कुल 50 मीटर के दूरी पर यह चौक आता है, जिसे आदिवासी गोवारी शहीद उड़ान पुल के नीचे का चौक यानी बर्डी चौक या गांधी पुतला चौक भी इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने तो हेलमेट भी नहीं लगाया। देखिए यह दृश्य आप देख रहे हो बर्डी से, कि बर्डी में पहले दिन के लॉकडाउन में लोगों में क्या जागरूकता, तो वही दो लोग जेब्रा पार करके आगे तक निकल चुके हैं बिना किसी परवाह के, और इसीलिए दुर्घटना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अत्यावश्यक सेवा छोड़कर बाकी तमाम सेवाएं बंद कर दी गई है। लोगों को घर से बिना कारण निकलने की अनुमति, इजाज़त तो कतई नहीं है। ऐसे में लोग अभी भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और शहर का किस तरह का नज़ारा है देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। अब वाहन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बस सेवा से लेके प्राइवेट जो सेवाएं हैं, जैसे ऑटो है, ये भी शुरू दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घर से फोर व्हीलर में भी आए हुए हैं, दो पहिया वाहन चालक, ये भी आना जाना इनका लगातार जारी है। और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से जो बताया था, वो प्रशासन का जो नियम की धज्जियां उड़ते हुए तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। लोग जब तक पुलिस नहीं खड़ी रहती है, लोगों को खुद स्वयं से पालन करना बड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन लोगों ने इसका पालन करना चाहिए। कई लोग घर में कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी टेस्ट भी नहीं करवाई, ना परिवार की करवाई ना खुद की करवाई। ऐसे दर्शकों के लिए ये कहना चाहते हैं कि यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन। कोरोना जैसे खतरनाक दुश्मन को दूर रखना है तो हमें ब्रेक चेन करना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हमने बिला वजह बाहर घूमना होगा, फिजूल के कामकाज करना होगा, दुकान बंद होने के बाद भी दुकान खोलना होगा। कुछ तो शहर के ऐसी भी दुकानें हैं जहां शटर तो बंद है मगर अंदर ग्राहकी शुरू है। इस ओर मनपा प्रशासन का ध्यान जाना बेहद जरूरी है। मैं हमारे कैमरा पर्सन मोहर इनसे कहना चाहूंगा कि मोहर जी, थोड़ा सा पैन करके बताइए ये नजारा इटर्निटी मॉल के पास का। देख सकते हैं प्राइवेट बस से लेके छोटे ऑटो से लेके दो पहिया वाहन चालक दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का लोग भी सड़क से आते जाते नजर आ रहे हैं। एक बात अच्छी दिखाई यहाँ पे यह दे रही है कि सिग्नल लगने के बाद कोई भी तोड़ नहीं रहा। एक रिक्शे वाले ने भले ही ये नियम को तोड़ दिया है, उसके बावजूद लॉकडाउन का ये असर जब पुलिस रहती है तभी लॉकडाउन दिखाई देता है, तभी ऐसा लगता है शहर में कि लॉकडाउन लगा हो, लेकिन पुलिस हर जगह जाना संभव नहीं है क्योंकि शहर की आबादी 37 लाख के आसपास है
और पुलिस की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में भी पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन, मेयो प्रशासन और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम आज दिन रात काम कर रही है, साथ ही साथ गंगाबाई घाट पे जो शव का अंतिम संस्कार कर रहे, जो लोग आ रहे हैं वो जो कर रहे हैं, वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वो सही में वॉरियर्स है। तो कोरोना का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि पहले दिन का लॉकडाउन का ये नज़ारा, पूरे बल्डी में ट्रैफिक बिंदास शुरू है, छोटी मोटी दुकानें खुल चुकी है, बाकी यहाँ पे एक साउंड लगाया हुआ है उसके ऊपर में मनपा प्रशासन मार्गदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है दर्शकों। अब हम और भी पल पल की जानकारी बीसीएन के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। बल्डी पुलिस थाने से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।